तो ये अभी हमारा लास्ट टाइम जो हमने फंक्शन बनाया था, ये फंक्शन हमारा काम कर रहा था, 2 नंबर का इनपुट ले रहा था और यहाँ पे जाके इसका सम दिखा रहा था, ठीक है। अब हमने इस फंक्शन में चेंजेस ये करनी है कि ये फंक्शन प्लस भी करे, माइनस भी करे, मल्टीप्लाई भी करे, डिवाइड भी करे, जो हम इसका ऑर्डर दे वो ये काम करे। तो यानी कि अब हम इसके अंदर एक और चीज़ का इजाफा करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑपरेंड। तो यहाँ पर हम एक और इसके अंदर ऐड करा लेते हैं, सपोज CHAR करके, और इसको हम ऐड करा देते हैं एक सिंबल, और वो सिंबल के लिए एस यूज़ कर लेते हैं। ये एक और आर्ग्यूमेंट हमने अपने फंक्शन में ऐड कर दिया। अब आर्ग्यूमेंट जब ऐड किया तो यहाँ पे आपको भी एक इनपुट चाहिए होगा, सिंगल CHAR मतलब सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बताएंगे OPR के नाम से एक और वेरिएबल, ये भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट करेगा। तो नंबर 1, नंबर 2 और फिर नंबर 3 में हम बताएंगे ऑपरेशन। तो यहाँ प्रिंट एफ किया हमने, यहाँ पे न्यू लाइन ली और एंटर ऑपरेशन लिख दिया हमने इसके अंदर, मतलब क्या ऑपरेशन होगा इसके अंदर, और सिंबल भी दे दिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए स्लैश यूज कर लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पास कर दिया। स्कैन अप करके इनपुट लेंगे, तो सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए परसेंट सी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कॉमा। सो इसके अंदर OPR के अंदर इनपुट ले लेंगे और यहाँ पर पास कर देंगे एक और ऑपरेशन जिसका नाम है AB, और यहाँ पे क्या रखा है इसका नाम सी, नहीं OPR, OPR नहीं है इनपुट, आप OPR में ले रहे हैं। फंक्शन डेफिनेशन में आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक्स वाई तो ऑलरेडी मौजूद है, CHAR करके यहाँ पे एस कर दिया हमने, तीसरा आर्ग्यूमेंट जो ऊपर डिक्लेयर किया था। अब जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट की। स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आखिर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, उसके बिहाफ पर ये देखेंगे कि किस तरह से उसका आउटपुट लिया जाना है। स्विच स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाती है, स्विच और स्विच के ब्रैकेट्स में हम डाल देंगे एस को, और यहाँ पे केस डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब स्विच के मेन ब्रैकेट्स बनेंगे 2 जो इसके कंडीशन ब्रैकेट्स होंगे, उसमें फिर चेक करवाने के लिए कैस लिखेंगे। कैस के आगे सिंगल कोट में आपने चेक करवाना है प्लस को, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है, और उसके आगे लिखेंगे कॉल, फिर उसके आगे कैस, इनके 2 ब्रैकेट्स बनेंगे। अगर प्लस कोई दबाता है तो क्या काम करना है, तो यही काम करना है जो हमने लिख रखा है। प्लस कोई करता है तो प्लस कर देना, जेड इक्वल टू जेड असाइनमेंट करके एक्स प्लस वाई कर देना है, ठीक है, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ठीक है। फिर नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पे कैस करना है, सिंगल कोट माइनस होगा करके कैस कॉलन लगाना है, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगा देना है, ठीक है, और यहाँ से करके इसको आगे कर देना है। फिर जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कर देना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आना है नीचे, फिर केस लिखना है। अच्छा, अब केस के साथ साथ जब ये परफॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी करनी है, साथ साथ ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी करना है, ताकि फिर वो अगली केस को चेक ना करे, वरना वो सारे केस को चेक करेगा जो भी स्विच के अंदर लिखे गए। तीसरे में आपने एक्स बता दिया इसके अंदर, और उसके अंदर जो है एक्स का सिंबल यूज़ कर लिया कॉलन करके। यहाँ पे हमने बता दिया इसके अंदर कि भाई फिर क्या करना है, सेट असाइनमेंट एक्स इंटू वाई कर दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे करके कैस कर दिया, और यहाँ पे एक्स क्या है स्लैश यूज़ कर लिया, और यहाँ पे कॉलन लगा दिया, और यहाँ पर इस तरह से आपने ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर जेड को एक्स डिवाइडेड बाई वाई कर दिया। मतलब अब इनमें से चारों ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे, चारों में से कोई एक परफॉर्म होगा, और डिपेंड करेगा वो OPR के अंदर जो सिंबल हमने पास किया होगा। और फाइनली अगर इनमें से नहीं पास होता तो डिफॉल्ट का आप यूज़ कर लें, इसके अंदर डिफॉल्ट लगा के इसका 2 ब्रैकेट्स लगाएं, और उसमें आप रिटर्न कर दें 0 कर दें, सपोज टू बी जेड की वैल्यू उसके अंदर 0 कर दें, ताकि कोई भी उल्टा सीधा जो जवाब है वो ना पास हो। तो ये आपने कर दिया इसके साथ। अब आप चलते हैं यहाँ पे, ये वाले की तो जरूरत ही नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा देते हैं, रिटर्न 0 ये ब्रैकेट है स्विच का, तो स्विच के ब्रैकेट से बाहर रहेगा। कंपाइल करते हैं कोड को, रन करते हैं, तो ये रन हो गया कोड। कह रहा इंटर नंबर 1 तो हमने 76 लिखा, इंटर नंबर 2 तो हमने 33 लिखा, कह रहा इंटर ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक मसला आया कि 2 ऑपरेंड का 0 आ गया आंसर। इंटीजर के बाद सिंगल करेक्टर का अगर इनपुट लेते हैं तो वो ये जरा कंपाइलर में या कोई इसके टेक्निकल इशू है कि वो उसको इनपुट नहीं ले रहा सही तरीके से। कुछ नहीं करना, सिर्फ जो काम हम बाद में कर रहे थे वो पहले कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से एडिट, कट करेंगे यहाँ से इसको, और इस स्टेटमेंट को इनपुट लेने से पहले यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सेव कर देंगे, यहाँ पे अल्टर कंट्रोल F9 करेंगे। यहाँ पर एक ऑपरेशन लिखना है हमें, कोई भी ऑपरेशन, सपोज टू बी माइनस, कह रहा ऑपरेशन 1 डालो, सही, ओके ओके। तो यहाँ पे हमने करके फिर इसको रन किया, तो हमने ऑपरेशन किया इसको एक्स, तो हमने अपने 5 × 5 आंसर आ गया 0। अभी एक्स वाला ऑपरेशन सही तरह परफॉर्म नहीं हुआ, हालांकि माइनस तो उसने सही कर ही लिया था, लेकिन एक्स वाला ऑपरेशन सही परफॉर्म नहीं हुआ। दोबारा चलाते हैं कौन कौन सा नहीं हो रहा है। डिवाइड के लिए स्लैश लगाया हमने, एंटर किया,
500 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी सही नहीं हुआ, ठीक है। और माइनस वाला क्यों सही हो गया, फिर इसको देखते हैं। चले माइनस 211, ये बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पर देखना ये है कि जब हमने उसको एक्स किया, ये सप्लाई किया, तो यहाँ पर इंटर ऑपरेशन कहाँ चला गया, इंटर ऑपरेशन क्या आ गया, हमने स्लैश वगैरह में, तो ये थोड़ा सा स्पेस का था। नीचे आके चेक करते हैं, केस में हमने लगाया तो है डिवाइड का साइन, लेकिन ये माइनस तो कर रहा है, प्लस भी कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर पा रहा। कैसे एक्स, एक्स की वैल्यू भी सही डाली थी हमने, जेड एक्स इंटू, अच्छा देखिए यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो सबको ही चेक कर रहा है और आंसर को जीरो कर रहा है। तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी लगानी है, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो काम सही नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेट हो गया, अभी सही काम करेगा। कंट्रोल F9 करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इसको हमने लिखा सपोज टू बी, सेव करके शट डाउन करें बेटा जल्दी करें। तो यहाँ पर आपने लिखा सपोज टू बी x और एंटर, 56 × 4, 224 आंसर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है, यहाँ से क्या हम यहाँ पे 100 डिवाइड, अब ये गलती कर दी शुरू में तो उससे कोई इनपुट आउटपुट नहीं दिखाया इसको, जीरो आंसर आ गया। दोबारा से रन करते हैं, यहाँ कि हमने डिवाइड 500 डिवाइडेड बाई 2, 250 आंसर आ गया। तो एक छोटा सा ऐप बन गया जो हमारा चारों ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, प्लस भी कर रहा है, माइनस भी कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है, पर ये पहले पूछेगा क्या ऑपरेशन करना है वो बताएंगे, तो फंक्शन वो सारा काम कर देगा। जबकि मेन प्रोग्राम में हमने सिर्फ यही चीज़ लिख रखी है कि सिर्फ उसको हमें तीन ऑपरेंड पास कर रहे हैं यहाँ पे, सम को, ए बी और ओ पी आर, तो उसके बाद ये परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखें इंटीजर सम, इंटीजर एक्स वाई और एस, तीन डेफिनेशन है इसकी। स्विच स्टेटमेंट, ये भी कंडीशन चेक करने के लिए स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है, और इसका इस्तेमाल भी जो है कुछ इस तरह का ही रहेगा इसके अंदर, ठीक है। एक कोई भी एक केस परफॉर्म होगा, सारे केस परफॉर्म नहीं होंगे। ये हो गया हमारा फंक्शन खत्म। अब पढ़ेंगे C++, जो इससे थोड़ा एडवांस बन जाने, ठीक है।